अपराधियों की धरपकड़ के बाद जब पुलिस को समय मिलता है तो उसका ध्यान सामाजिक सरोकार की तरफ मुड़ जाता है तथा समाज में गरीब निरीह लोगों की पीड़ा को दूर करने का सतत प्रयास शुरू कर देता है। ऐसा ही कर दिखाया है पुलिस के एक नौजवान सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने, जो वर्तमान में गोरखनाथ थाने के धर्मशाला बाजार के चौकी इंचार्ज है। प्रमोद सिंह ने महानगर के समाज सेवियों के सहयोग से एक संस्था बनाया है जिसको नाम दिया है हम है ना, जिसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो हम है ना, खाने को कुछ नहीं है तो हम है ना। इस तरह की तमाम दिक्कतों से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए प्रमोद सिंह ने एक जन कल्याणकारी सोच के साथ धर्मशाला पुलिस चौकी के सामने एक कार्यालय बनाया है जिसका विधिवत शुभारंभ जिले के पुलिस कप्तान शलभ माथुर ने फीता काटकर किया और कार्यालय का अवलोकन किया, जिस पर प्रमोद सिंह ने SSP को एक एक बिंदुओं की जानकारी दी। इस मौके पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया जिसमें SSP शलभ माथुर, SP सिटी विनय कुमार सिंह, CO गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, हरगोविंद प्रभाजी, अजय गुप्ता सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अपने संबोधन में SSP शलभ माथुर ने कहा कि जनता की सेवा करना एक पुनीत कार्य है, पुलिस द्वारा इस प्रकार के कार्यों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने संगठन से जुड़े लोगों को इस सामाजिक कार्यों के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP ने कहा कि संगठन से गरीब असहाय को सहयोग मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह और संस्था के डायरेक्टर हरगोविंद प्रभा ने कहा, पुलिस की ड्यूटी पर तैनात होने का मतलब होता है सतर्क, इसका अर्थ है सुख शांति। पार्टी एक डॉक्टर साहब जो बैठेंगे और निःशुल्क देने की दवाएं और कुछ डॉक्टर लोगों की मदद से फ्री दवाएं देनी मिलेगी जो सहाय जो भी करती है सर। यहाँ पे आएगा यहाँ पे एक जगह बनाया हुआ है पुराने कपड़े लोग इसमें से डाल जाएंगे में पैक करके उम्रवार साइजवार सबको निःशुल्क देंगे। कोई भी स्थिति बनानी हो या कुछ करना हो तो आए दूसरे लोगों को खाना खिलाएं किस तरीके से है और बाकी भी जिस दिन उन लोग पार्टी नहीं होगी ये संस्था के लोग उसको खाना खिलाएंगे 150 लोगों को। ये 150 लोगों को डेली खाना हमेशा गरीब लगभग 150 लोग डेली सुनते हैं। ये बहुत बड़ी भेंट है एक मानवीय संवेदनाओं का, ईश्वरीय सत्ता ही सिद्ध कहती है। अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे चीज़ों से के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज जो चीज़ हुई है वो बड़ी यूनिक है और मैं इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और एक बहुत ही अच्छी जो समाज के लिए आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर्स का भी है, वहाँ पर गरीब बच्चों के कपड़े का भी है, आगे मुझे बताया जा रहा है आप लोगों के साथ में जो है और भी प्रोग्राम्स हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपने जो ये मुहिम चालू करी है इसमें आप बहुत ही सफल हों और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए आज बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज इस जगह आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरी संस्था को बहुत ही कोटि कोटि बधाई देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और पुनः ईश्वर से आशीर्वाद करता हूँ कि जो आप लोगों ने मुहिम चालू की है इसमें आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल हों। जय हिंद जय भारत। एक्चुअल में ये संस्था मैं रेलवे स्टेशन पहले चौकी पर तैनात था, उस समय ज़्यादा लोग कमाव करके बाहर से आते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने सारे बच्चों को कपड़े ले जा सकें, संसाधन ले जा सकें या उनको सुविधाएं दे सकें। तो यहाँ पुल के नीचे लोग पुराने कपड़े खरीदते थे, नई पॉलिथीन लेते थे, उसके भर कर के लेके जाते थे। उस स्थिति में मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को रोका, पूछताछ किया तो मुझे लगा कि बहुत से लोगों के घरों में इतने कपड़े हैं जिसे एक से एक ब्रांडेड कपड़े हैं
वो एक ऐसी जगह पे आए जिसको कि हम चैन बटन ठीक करें और ज़रूरतमंद को उम्र के हिसाब से, साइज के हिसाब से उन्हें तैयार कर ज़रूरतमंद को दें। और इसके अलावा 60-70 लोग ऐसे थे जिनका कोई आज भी कोई नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ है, परसों दिन वहाँ है, खाने को कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं तो उन्हें खाने का भी नसीब नहीं था। चेक करने पे आज यहाँ है कल नहीं मिलते थे। ऐसे लोगों को हम रहने खाने की व्यवस्था परमानेंट करेंगे, चिकित्सीय इलाज करेंगे, बाल कटाएंगे, कपड़े चेंज कराएंगे उनका, और नियमित रूप से जो बच्चे हैं कूड़ा करकट बीनने वाले जो प्रायः झोले लेकर के बोरे लेकर के घूमते फिरते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे और डेली का डेली यहाँ पे पुल के नीचे ही 2 घंटे का क्लास उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। अभी उम्मीद तो बहुत लोगों से है, हम लोग 15 लोग ऐसे हैं जिसको शुरुआत किया है हम लोगों ने, जो आजीवन इसके पूरे खर्चे उठाने की तैयारी के साथ हम लोग शुरू किए हैं। जितने लोग जुड़ते जाएंगे, आगे शासन से हम लोगों ने लेटर लिखा हुआ है, जो संस्था हम है ना जो काम कर रही है मैं उसके पीछे हूँ, क्योंकि मैं राज्य कर्मचारी होने के नाते मैं इसको लीड नहीं कर सकता, लेकिन संस्था है जिसको हरगोविंद प्रभा जी जैसे, डॉक्टर सुरेश सिंह जैसे और भी कैसे कुछ लोग हैं जो जुड़े हैं हमसे, दीपक सिंह जी हैं, ये लोग मिल करके हम लोगों ने इसको प्लान तैयार किया है और सरकार को लेटर गई है कि अगर मुझे जगह उपलब्ध कराया जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृद्धाश्रम रोडों पे टहल रहे हैं उनको वृद्धाश्रम खोलें, ऊपर जो बच्चियों को रोड पे लोग फेंक रहे हैं हमें दें, हम उसको पालेंगे, अनाथालय बनाएंगे। क्या हेल्प नंबर भी जारी किए हैं? हेल्पलाइन नंबर अभी तत्काल में हमें एक बैन मिली है डॉक्टर सुरेश सिंह रेड पल्स यूनिट से, वो अभी एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एक नंबर लिया जाएगा टोल फ्री नंबर, उन्हें बहुत ज़रूरी है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके पास पैसों का अभाव नहीं है लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, हम उनके लिए ज़रूर चलेंगे अगर वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, या बहुत नितांत गरीब है जिसका कोई नहीं है वो कॉल करे, 24 घंटा ये हम हेल्प करेंगे। सोसाइटी को मैं चलाऊंगा और हमारे साथ और अन्य सहयोगी लोग हैं, हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें सदस्य हैं पूरे और 100 से 100 के आसपास हमारे मेंबर हैं, तो हम सब मिलकर चलाएंगे उसका समर्थक हैं और वो चीज जहाँ भी रहेंगे उनसे हम मार्गदर्शन और सहयोग देते रहेंगे। उन्होंने आजीवन 2000 रुपये महीना देने का संकल्प लिया है, ये भी कहा कि जब तक मैं हूँ मैं दूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे भी देते रहेंगे, उसके पीछे वो अपना अपनी ताकत अपनी भावना उनकी जुड़ी हुई है, साथ में इस काम को आगे बढ़ाने का, चलाने का, मेहनत करने का, शारीरिक और मानसिक रूप से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करने का दायित्व हमारा है और हम इसको निश्चित रूप से करेंगे।